हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुजीबुरहमान क्रिएशंस। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरेंट्स है, उन लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आया हो। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो इंग्लिश है, टोटल 20 मार्क्स और एग्जाम में आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करते तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के या फिर प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए, मदद करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंडियन एयरफोर्स इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट, ये कैसे, मतलब इसमें कितना मार्क्स आता है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज से ही मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के स्टूडेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 5 लिखा है, पेपर 1 इंग्लिश का, इंडियन एयरफोर्स इंग्लिश का 20 मार्क्स है। सो डायरेक्शंस आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सपोज 1-3 दिया है, 9-9, 9-10 दिया है, ऐसे आपको डायरेक्शंस मिलेगा। क्या करना है ऐसे आपको डायरेक्शंस पे ही मिलेगा। डायरेक्शंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1-3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट ऑफ 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट चॉइस है उसे आप चूज कीजिए। नंबर 1, द वर्ड बिजारे मीन्स। तो फ्रेंड्स, बिजारे का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, इसेंट्रिक, यंग एंड फेयर, चार ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा बिजारे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो हमारा, हमें दिया वर्ड जो है बिजारे, बिजारे मीन्स विचित्र, विभिन्न, विचित्र। सो विचित्र, नॉर्मल मतलब नॉर्मल है, एकदम साधारण सा। इसेंट्रिक मतलब आपका विलक्षण या, नेक्स्ट यंग मतलब युवक, युवा, फेयर मतलब बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इसेंट्रिक, नंबर बी। बिजारे मीन्स विचित्र, इसेंट्रिक मीन्स विलक्षण, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू थवर्ड इज। थवर्ड का ऑपोजिट वर्ड है, हमें चार ऑप्शंस दिया गया है, एनकरेज, ऑब्स्ट्रक्ट, स्ट्राइव, बफल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ थवर्ड। मीनिंग ऑफ थवर्ड इज बिफल। थवर्ड मीन्स विफल, थवर्ड का मतलब है विफल। तो आप यहाँ देखिए, इसका ऑपोजिट मीनिंग, विफल मतलब अनसक्सेसफुल, अनसक्सेस। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, एनकरेज या फिर सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आंसर मिल जाता है नंबर ए, एनकरेज। मैं आपको सारे आंसर जो है ब्रीफली, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने से, इसको समझने में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बोलूँगा। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत हो आप बोलिए, मैं इसे और भी थोड़ा डिस्क्राइब करके बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम आसाम, सो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानना। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हिंदी, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, बुरा मत मानना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-5 डायरेक्शन है, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे है 4 और 5 का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जो है डेड बॉडीज जिस बिल्डिंग में, जिस घर में मृतदेह, मरे हुए लोगों का जो बॉडी रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, डेड बॉडीज रखा जाता है। एवेरी हॉस्पिटल, जू, मोर्शुअरी। तो डेड बॉडीज रखने वाला जो बिल्डिंग है उसे हम कहते हैं मोर्शुअरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर होगा मोर्शुअरी।
सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वर्ड जेनिथ मीन्स, जेनिथ मीन्स आपका जो है शिखर, जेनिथ मीन्स ऊंचा, जो आपका ऊंचा जगह है उसे जेनिथ बोलते हैं इंग्लिश में, मीन्स शिखर। तो इसका वर्ड ये जेनिथ का अर्थ क्या है, नादिर, मिनिमम, पीक, प्लांट। यह देखिए, नादिर ये भी नहीं मिलता, मिनिमम भी नहीं मिलता, प्लांट भी नहीं मिलता, तो इसका आंसर होगा पीक। पीक मतलब शिखर और जेनिथ मतलब शिखर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा पीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा मोर्शुअरी नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, एन एसोसिएट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। एक ऑफिस और इंस्टीट्यूशन में जो एसोसिएशन है, इसका एक एसोसिएट, इसको क्या बोलते हैं हम, कोलीग। मतलब कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन, स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर किसी भी जगह, किसी भी स्थान में आप एक साथ काम करते हो, इसे बोलते हैं कलीग। तो क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर होगा कलीग। कंपनियन जो है यह फ्रेंड, फ्रेंड की तरह। सपोज हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें कंपनियन बुलाया जाएगा, एक ही रूम पे रहते हैं, इसको कंपनियन। तो इसका आंसर होगा कलीग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यह देखिए, कौन सा वर्ड है नीचे दिया गया जो है कि आपका जो स्पेलिंग है गलत है। पायोनियर, लुमिनस, ट्रीटमेंट, इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप गौर से देखिए इसका जो आंसर है। अब अगर इसका आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो होगा सी, ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है ये मिस स्पेल्ड है, इसका स्पेलिंग जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज द फ्रेश टू रीड बिटवीन द लाइंस मीन। टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब कि लाइन के बीच में पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हमें इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कि ऐसे ही फ्रेश वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही फ्रेश वर्ड्स मिलेगा आपको। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स आंसर होगा, मतलब कि लाइन के बीच में जो है, अंदर जो है, अंदर घुस के कोई भी चीज को स्टडी करना। तो आंसर होगा सस्पेक्ट नहीं होगा, रीड केयरफुली ये भी नहीं होगा। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स हिडन मीनिंग को समझना, मतलब कि जो मीनिंग, जो अर्थ इसका एक लाइन का या फिर एक सेंटेंस के या फिर कोई भी बात के, मतलब इसके अंदर का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसे समझना, उसे कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा नंबर सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, ये इंग्लिश ग्रामर का नहीं है, जनरल नॉलेज का, मेरा ही कुछ गलती हो गया। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा नंबर ए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन से टेन का जो डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द पार्ट प्रिंटेड इन बोल्ड इफ नीडेड। जो बोल्ड किया है यह है आपका मार्क किया गया है, मार्क किया गया है, तो इसका जो है कोई इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। देखिए, ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द मीटिंग वाज एडजर्न। क्वेश्चन नंबर नाइन, ही अराइव्ड एट द वेन्यू, वो जो है मीटिंग का, जो मीटिंग रखा गया है जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे, वो वेन्यू क्या है कि वो अराइव, वहाँ पहुंचा, बट क्या हुआ, आफ्टर द मीटिंग वाज एडजर्न। मीटिंग जो है एडजर्न होने के बाद ही वो मीटिंग के वेन्यू में पहुंचा। तो यह देखिए, ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द मीटिंग वाज एडजर्न। वाज जो है यह हुआ आपका, ही अराइव्ड एट द वेन्यू, ये है पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है आफ्टर के बाद, द मीटिंग वाज एडजर्न। वाज जो है, वाज के बाद कोई भी चीज प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट में हो जाएगा, तो वाज एडजर्न ईडी होगा इसमें, एडजर्न ईडी होगा।
मीटिंग एडजर्न होने के बाद मतलब वॉज एडजर्न मतलब किसी के द्वारा मीटिंग एडजर्न किया गया था, तो इसलिए वॉज एडजर्न ईडी लगेगा इसमें, वॉज एडजर्न एडजर्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा नंबर बी, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट दे है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी हमें इम्प्रूव करना है। व्हाट ही इंटेंड्स टू प्रपोज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। वो जो भी चीज डिस्क्रिप्शन में बोलना चाहते हैं या फिर हमें प्रपोज प्रस्ताव देना चाहते हैं वो क्या है कि उसका जो बात है वो क्लियर नहीं है। वो मुंह से जो शब्द बोलता है और उसके अंदर जो है वो जो बोलना चाहता है वो क्लियर नहीं है, इसका अर्थ ये होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर है इंटेंड्स टू पर्पस, व्हाट ही इंटेंड्स टू पर्पस इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर। अब अगर इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे, व्हाट ही इंटेंड्स टू प्रपोज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, इंटेंडिंग टू पर्पस ये भी नहीं होगा, इंटेंडेड टू बी प्रपोज ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इस इंटेंडिंग टू बी प्रपोज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये पहले से ही इम्प्रूव किया गया है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, वॉर ऑफ रोजेस अपीयर्स इन द वर्क्स ऑफ, इसका आंसर होगा शेक्सपियर, नंबर बी। शेक्सपियर जो है बहुत रोमांचक कवि था, रोमांटिक पोएट था, तो इसका जो यह मतलब इसका जो भी वर्क्स है जो भी काम है उनमें वॉर ऑफ रोजेस बहुत देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 12 टू 13 में डायरेक्शन दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह जो है, खाली स्थान है, इसे भरने के लिए जो है करेक्ट शब्द आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स डैश टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, एक वॉलंटियर्स के एक दल, टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन द अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स। वो जो फंड है उसे रेज करने के लिए, जो फंड्स है उसे दोबारा उठाने के लिए किया गया है, एक बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये देखिए इन द अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स, एक वॉलंटियर जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हो तो इसे हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया जाता है। तो एक ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ए बॉडी जेहेतु आपका ए बॉडी है, ए बॉडी यह है सिंगल, अगर ये बॉडीज ऑफ वॉलंटियर्स होता तो इसमें होता हैव बीन, ताकि बट यह किया गया है, दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का एक बॉडी, तो ए बॉडी यहाँ पे है, इसलिए आंसर होगा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, आंसर विल बी नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यस, ये जो छोटा हाथ है इसको अरब जानने वाले सभी जो परफ्यूम से स्वीटन मतलब कि सुगंध नहीं पहुंचा सकता, इसके आंसर होगा नंबर बी, हाइपरबोल जो है स्पीच है उसे यूज किया गया है, आंसर होगा नंबर बी हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइंस और व्हाट्स द थिंग यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप द विल्डन अप विच वर्न आउट टूल्स। इसका आंसर होगा आपका नंबर बी, रोडियर्ड किपलिंग। अब फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नरेशन से हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन द वर्क जस्ट नाउ। इस पिंकी ने गौरव से कहा, क्या तुम मुझे अभी हेल्प कर सकते हो मेरे काम से। पिंकी ने शायद समझ लीजिए, पिंकी ने गौरव से कहा, हे गौरव क्या तुम मुझे अभी मेरे काम में हेल्प कर सकते हो। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो देखिए ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम टेंस नरेशन या फिर वॉइस का होगा तो उसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि स्पीच जो है ये कौन सा टेंस में है,
स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट। तो इसका दिया गया है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है। पिंक सेड टू गौरव, ये ऑल द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट होगा, मतलब पिंकी सेड टू गौरव, हमारा ये जो सेंटेंस है ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पिंकी सेड टू का मतलब यह आस्क्ड होता है। पिंकी आस्क्ड गौरव विल यू है, यह क्वेश्चन मार्क है, येस और नो। इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो भाग होता है, दो टाइप्स, ये एक है येस और नो क्वेश्चन, दूसरा वाला है आपका यस नो क्वेश्चन और दूसरा वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन मतलब आपका जो है यस नो, यस और नो से हम आंसर दे सकते हैं। विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, गौरव से पिंकी ने पूछा, तो गौरव सीधा बोल सकते हैं नो, आई शैल, आई कांट हेल्प यू और आई शैल नॉट हेल्प यू। तो इसका ये होगा यस और नो। तो यस और नो क्वेश्चन में हम यूज करते हैं सेड टू के मतलब, ये होता है आस्क्ड गौरव, ये होगा इफ। पिंकी आस्क्ड गौरव इफ, यू के मत यू के बदले ये होगा ही, गौरव ही होगा इसमें इनडायरेक्ट में। पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही कुड विल है, वुड होगा, इफ ही वुड हेल्प मी मतलब पिंकी, इफ ही वुड हेल्प पिंकी इन हर वर्क जस्ट देन। तो आप इसे मिला के देखिए कहाँ पे है, पिंकी आस्क्ड गौरव, पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नंबर ए, 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा नंबर ए, समझ लीजिए। आपका अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा ठीक से दूसरा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे सहायता करो, मुझे सहाय करो, मेरा सहायता करो, इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या होगा। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। वॉइस से भी, वॉइस टेंस नरेशन, इसमें से इनमें से क्या होता है, डेली या श्योरली, एक एक क्वेश्चन आता ही आता है एकदम श्योर। तो वॉइस में से जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है पैसिव फॉर्म ऑफ प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी देखिए आप, यह होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी आप किसी भी आदमी को रिक्वेस्ट करते हो तो ये आपको ऑर्डर नहीं होगा, तो क्या लिखते हैं हम पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या होता है, हेल्प मी। आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आंसर होगा नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में दिया गया है फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक द सेंटेंसेस ए कॉम्प्लीट मीनिंगफुल। सेंटेंस जो है ये आपका मीनिंगफुल नहीं है, तो ये जो वर्ब है इन वर्ब्स को हम यूज करके इस सेंटेंस को पूरा मीनिंग देंगे, कॉम्प्लीट मीनिंगफुल बनाएंगे। इट डैश रेनिंग और इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से सुबह से ये बारिश हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ये क्या होगा, सिंस जो है, सिंस अर्ली मॉर्निंग इट सिंस, हर कोई भी सेंटेंस में अगर सिंस है तो वो सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो फ्रेंड्स यह अगर पास्ट परफेक्ट की बात किया जाए तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो ये अल्टीमेटली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से सुबह से ही ये बारिश हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ही जंप ऑफ द बस व्हाइल इट डैश, वो एक बस से जंपिंग किया था, जंप मारा था एक बस से, जबकि वो आपका मूव हो रहा था, चल रहा था। तो इसका आंसर होगा वॉज मूविंग, ही जंप ऑफ द बस व्हाइल इट वॉज मूविंग। ये है आपका टेंस का एक पार्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरा पार्ट अल्टीमेटली पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमें दिया गया है ही जंप ऑफ द बस, ये पास्ट इंडेफिनिट, सो नेक्स्ट पार्ट व्हाइल के बाद इट वॉज मूविंग। सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होगा नंबर डी, इट वॉज मूविंग, ही जंप ऑफ द बस व्हाइल इट वॉज मूविंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20,
Choose the correct meaning of the following idioms from the choices given. Idioms जो है इनका हमें idioms and phrases fresh words का meaning हमें choose करना पड़ेगा. तो choices नीचे दिया गया है. तो friends देखिए to bell the cat. बिल्ली को बेल बजाना, बिल्ली का बेल बजाना, ये कैसा वर्ड है आपका? मतलब एक चूहे को अगर आप बोलेंगे कि आप बिल्ली के पास जाओ और उनका जो बिल्ली जब भी आएगा बेल घंटा बजा दो, तो ये उसके लिए रिस्की काम होगा. अगर आप किसी भी आदमी को बोलोगे कि आप शेर के पास जाओ और उन शेर के मुंह से आप निफाला निकल के लाओ, तो ये क्या होगा? बहुत ही रिस्की है. तो इसका आंसर होगा टू टेक लीड इन डेंजर. तो आपका भयानक है विपद के टाइम में, आपका भय के टाइम में जो है लीड लेना, लीडरशिप लेना, यह है आपका टू बेल द कैट. तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा नंबर ए. टू बेल द कैट मींस टू टेक लीड इन डेंजर. क्वेश्चन नंबर 19 आंसर विल बी चॉइस नंबर ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. टू बी इन ए फिक्स मतलब क्या होता है? ए परप्लेक्सिटी में आपका मतलब फिक्स होना, एक जगह में आपका फिक्स हो जाना, इसे बोलते हैं टू बी इन ए फिक्स. तो इसका आंसर होगा नंबर ए. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे रेस्पेक्टेड दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इंडियन एयरफोर्स के जो भी वीडियो आपको चाहिए इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का, मैं अपलोड करता रहूँगा. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए. इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम, ये सितंबर 18 से 21 तक होगा. तो इससे पहले जो भी आपको वीडियो चाहिए मैं दे दूंगा. और एग्ज़ाम के बाद जो भी आपका पेपर्स है मैं उसे भी अपलोड करके सोल्यूशन कर दूंगा. तो आज के लिए इतना ही. तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, like the video, and if you don't understand anything please comment. So friends, good night, bye, thank you, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए.